पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। हमारी आज की कहानी है रेखता से, किस्सा कहानी, और इसे लिखा है डॉक्टर जमील जालबी ने। एक चिड़िया ने गेहूं के खेत में घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। जब अंडों से बच्चे निकल आए तो खेत भी पकने के करीब था। एक दिन जब वो दाने की तलाश में जाने लगी तो उसने बच्चों से कहा, मेरे पीछे अगर खेत का मालिक या उसके घर वाले आए तो उनकी बातें गौर से सुनना, फिर मुझे बताना कि वो क्या बातें कर रहे थे। चिड़िया के जाने के जरा देर बाद खेत का मालिक आया और अपने बेटे से कहा, मैं समझता हूं कि खेत पक चुका है, कल सुबह ही सुबह अपने दोस्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि खेत काटने में हमारी मदद करें। जब चिड़िया घोंसले पर आई तो बच्चे चीं चीं करने लगे और उसके आसपास घूमने लगे। उन्होंने जो सुना था वो चिड़िया को बताया। बोले, अम्मी जान, हमें जल्दी से यहां से ले चलो। चिड़िया ने कहा, बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। याद रखो, जो खेत का मालिक अपने पड़ोसियों और दोस्तों पर भरोसा करता है उसका खेत नहीं कटता। मुझे यकीन है कि ये कभी नहीं कटेगा। दूसरे रोज चिड़िया फिर बाहर गई और चिल्लाते हुए कह गई, बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। कुछ देर के बाद खेत का मालिक आया और बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा, लेकिन वहां कोई भी नहीं आए। जब धूप तेज हो गई तो किसान बोला, इन दोस्तों और पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं, बेहतर है कि अब तुम अपने चचाजात भाइयों से कहो कि कल सुबह ही सुबह खेत काटने में हमारा हाथ बटाएं। ये बात सुनकर बच्चे बहुत डरे। जैसे ही उनकी माँ आई वो पर फैलाकर चूं चूं करने लगे और बोले, आज ये बात हुई है। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि ये रिश्तेदार उसके काम आए। अगले दिन जब चिड़िया दाने की तलाश में जाने लगी तो उसने कहा, बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। कुछ देर बाद खेत का मालिक आया और बहुत देर तक अपने भाई भतीजों का इंतजार करता रहा, लेकिन वहां कोई भी नहीं आया। जब धूप तेज हो गई तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटे, अब तुम औजार तेज करके तैयार रखो, कल हम अपना खेत खुद ही काटेंगे। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे। यूं ही उनकी माँ आई, उसे सारी बात बता दी। ये बातें सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों, अब हमें यहां से जरूर चले जाना चाहिए, मुझे यकीन है कि ये खेत अब कल जरूर कट जाएगा। जब आदमी अपना काम खुद करने के लिए तैयार हो जाता है वो काम जरूर हो जाता है। ये कहकर वो अपने बच्चों को वहां से दूसरी जगह ले गई। दूसरे दिन सुबह ही सुबह खेत का मालिक आया और अपने बेटे के साथ मिलकर खेत काटा। चिड़िया पहले ही अपने बच्चों को हिफाजत से दूसरी जगह ले जा चुकी थी। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।